सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि तत्वा चिंतन के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 15 जुलाई 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जो आईपीओ है 16 से 20 जुलाई के बीच ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 1073 से 1083 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 1083 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 13 शेयर्स होंगे और रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, टोटल इशू की बात करें तो करीब 500 करोड़ के आसपास का ये टोटल इशू है, यानी जो पिछले आईपीओ थे उनसे छोटा इशू साइज है, जिसके कारण आपको यहां पर अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 600 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी 1083 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 600 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 1683 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम काफी बढ़िया चल रहा है और अगर परसेंटेज में बात करें तो करीब 55% के ऊपर ही इसका प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, शुरुआती दिनों में जब इसकी मात्र डेट्स आई थी तब इसका प्रीमियम करीब 300 रुपए के आसपास चल रहा था और अभी अगर प्रीमियम देखें तो तब से प्रीमियम डबल होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, जिस तरीके से इसके फाइनेंशियल हैं, जिस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट जो है साल दर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसका जो प्रीमियम है आगे भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और इस आईपीओ में आपको 60% से लेकर 80% तक का प्रीमियम देखने को मिल सकता है। तो काफी बढ़िया ये आईपीओ होने वाला है और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये जो कंपनी है ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड तो है ही, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड भी है, यानी दोनों कंपनीज का ये मिक्सअप है, दोनों डिपार्टमेंट का मिक्सअप है। जो आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में जो केमिकल्स कंपनी थी या फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनमें काफी ज्यादा बूम देखने को मिला था और देखिए, जितने भी आईपीओ जो इन सेक्टर से रिलेटेड थे काफी बढ़िया उनमें लिस्टिंग गेन भी मिला और इसमें भी आपको वैसा ही लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी सलाह शुरू से ही यही रही है कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई करना ही है, साथ ही साथ आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये मेरा सजेशन है। अब हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ और बोले तो आप उनके हिसाब से भी चल सकते हैं। यहां पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसकी जिम्मेवारी आपकी ही रहेगी, यहां पर मैं केवल आपको सजेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।